मुर्दाबाद। बिहार में आए दिन विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर होती है, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती हुई नजर आती है। इसको लेकर वो सड़कों पर भी निकलते हैं और इसी कड़ी में आज विधानसभा के बाहर भी राजद के विधायक ने प्रदर्शन किया है। विधायकों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए का गबन होता है, घोटाला होता है और इसमें स्वास्थ्य मंत्री खुद भी शामिल होते हैं। आज राजद के विधायकों ने पीएमसीएच के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला होने का आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि इस घोटाले में स्वास्थ्य मंत्री खुद भी शामिल है। इसको लेकर आज विधानसभा के बाहर हंगामा करते हुए राजद के विधायक नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग हंगामा करते रहेंगे। सदन के अंदर भी इस मांग को हम उठाएंगे और सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले राजद के विधायक जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे। यहां राजद के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि हमेशा ही राजद सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती आई है, जहां भी घोटाला होगा हम उस पर चुप नहीं बैठेंगे। यहां करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत है। कि पीएमसीएच में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, एएमसी सीएमसी में करोड़ों रुपए का घोटाला, आयुष्मान में घोटाला किया गया है, पूरे बिहार में व्याप्त तरीके से स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला चल रहा है। हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं। फिर आप लोग आज 19 लाख रोजगार मांग रहा है युवा बिहार। बिहार कह रहा है कि हमारे बेटे बेटियों का अधिकार है 19 लाख रोजगार। सरकार बहाली कैलेंडर जारी करे, बिहार विधानसभा का सरकारी नौकरी नौजवानों के रोजगार के सवाल पे स्पेशल सत्र बुलावे, सरकार श्वेत पत्र जारी करे, बिहार में हर विभागों के जो खाली पड़े पद हैं उस पर रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो। सरकार रोजगार मांग रहे नौजवानों पर लाठी बरसाती है, उस लाठी का हिसाब लेगा बिहार का नौजवान और 19 लाख रोजगार के लिए बिहार में युवा आंदोलनों का झंझवात खड़ा होगा। नहीं, ये मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, शिक्षित बेरोजगारों का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के हम लोगों ने आज बिहार विधानसभा के सदन पटल पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है। आज बाहर मुक्त आकाश मंच में हजारों की संख्या में शिक्षित बेरोजगारों ने बेरोजगारी सम्मेलन बुलाया है और आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से सरकार चुनाव में 19 लाख शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके आज सत्ता में आई है, सत्ता को कब्जा किया है। और इसीलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि बिहार का नौजवान, ये जो 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा है ये जुमलाबाजी में तब्दील नहीं होने देगी। बिहार का नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं और हम लोगों ने जो आज विधानसभा के सदन के अंदर में इस सवाल को उठाने की मंशा बनाई है, कार्यदर्शन दिया है, 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, साथ साथ बेरोजगारी पर श्वेत पत्र जारी करना होगा, कैलेंडर जारी करना होगा कि क्या स्थिति है, लाखों लाख रिक्त पदों को भरना ही होगा, इसको छोड़ के कोई उपाय नहीं है, नीतीश कुमार को जवाब देना होगा।